अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार करके एक शख्स आपके जनसुनवाई में आया था सर, क्या देखा गया और आपने क्या कार्रवाई क्या दिया? आज ये मामला जनसुनवाई में निकल कर आया है, जिसमें एक व्यक्ति आया था, वो शक्कर लेकर आया था और उसका ये आक्षेप है कि शक्कर ये मिलावटी है और ना इसमें मिठास भी कम है और ये पूरी तरह से पानी में घुलती भी नहीं है। इसके वो प्रमाण भी वो लेकर आया था, उसके संदर्भ में एक जांच समिति बनाई है जिसमें फूड ऑफिसर और फूड सेफ्टी ऑफिसर को रखा है। उनको बोला है मौके पर जांच करें और ना केवल मौके पर जांच करें, उनके बिल्स का सत्यापन भी करें कि उन्होंने आगे शक्कर कहाँ से लिए। सर, चूंकि उसने बताया कि मैंने पहले खाद्य विभाग को आवेदन भी किया था, उसके बाद भी खाद्य विभाग के भी कहीं ना कहीं काम करने की क्षेत्र में सवाल उठा, क्या मानते हैं? हालांकि उसने बताया हमें जांच करेंगे कब उसने आवेदन किया था और उसके बाद क्या हुआ था उसमें, आज इस वक्त कहना मुश्किल है कि इसमें क्या आक्षेप लगेंगे खाद्य विभाग के ऊपर। दुकान से उसने सर शक्कर खरीदी थी, उसने बताया है कि दुकानदार का यह कहना है कि मैंने देवास प्रॉपर से खरीदी है, तो इस तरह की और भी चीजें या शक्कर जो है बड़ी तादाद में देवास में बड़ी चेन हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया अभी कि हम उसके बिल्स भी चेक करेंगे कि इनवॉइस उसके किस होलसेलर के हैं,